ऐसा है कि कितों भी अच्छी चीज मिले वो लेनी चाहिए है, चाहे वो किसी स्टेट हो किसी व्यक्ति को होवे, लेकिन पंजाब वो धरती जिहड़ी बुद्धिजीवियों नाल भरी पई है, जिरे जितों ज्ञान लैन वास्ते दुनिया के अलग अलग देशों तो लोग उत्थे आंदे है, और जिहड़ी धरती नूं वर है जिथे वेद लिखे गए, जिहड़ी धरती गुरुआं दा छोह प्राप्त है, जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई, जिथे पीर पैगंबर गुरु रविदास जी गुरु कबीर जी और अनेक गुरु महात्मा संत ऋषि पंजाब की पंच नदी की धरती से हजारा सालों तो तपस्या कर रहे, वो धरती उन्हें नॉलेज लैन से केजरीवाल साहब को जा रही है। इन्ना क डीरेल ना करो भगवंत मान साहब, पंजाब की प्रेस्टीज नू आज भी पंजाब च कई यूनिवर्सिटियां जिन्हां च वर्ल्ड दे 40-40 कंट्रियां दे लोग पढ़न आ रहे हैं, और अगर सचमुच ही कोई ज्ञान उत्थे वंडीन दिया सी ते केजरीवाल साहब तुसी 8 साल सांसद रहे, 15 साल सांसद रहे, 2 टर्म दे सांसदशिप दे अंदर किन्ने दिन तुसी दिल्ली दे स्कूलां नू जाके असेस कीता, किन्ने दिन तुसी अपनी इस टर्म दे अंदर महला क्लीनिक विजिट कीते ने, और कदी ना कदी तो तुम बुखार चढ़िया ही होएगा, कड़े महला क्लीनिक तो दवा लैके तुहाडा कोविड ठीक होया सी ते केजरीवाल साहब का कोविड ठीक होया सी, क्यों पंजाब की जनता नूं गुमराह कर रहे हो? तुसी इंटरफेरेंस कराना चाहते हो केजरीवाल साहब की, कठपुतली सरकार चलाना चाहते हो, तो और आप बहाना नॉलेज शेयरिंग रखो या कुछ होर शेयर करो, लेकिन पंजाब का अपमान ना करो, ये पंजाब का अपमान किया जा रहा है। भाई ये क्या जा रहा है कि पंजाब एक तरीके ना गहने पाता दिल्ली के, कि तुसी इस गल ना सहमत हो, तुहानू लगदा है कि पंजाब दे सारे हक दिल्ली नूं दे दित्ते गए? ऐसा है कि उन जदों नॉलेज शेयरिंग का मतलब तो बहुत वड्डा है, उस शेयरिंग दे अंदर स्कूलों च की पढ़ाया जाएगा, किताब कड़ी लगेगी, कौन की करेगा, कड़ी इट लगेगी, उन्हें दिल्ली बह के तय होएगा, क्योंकि नॉलेज ही दिल्ली केजरीवाल साहब के सारे दिमाग च नॉलेज आ गई है, तो पंजाब की करोड़ा जनता कॉलेजां पढ़ाने वाले प्रोफेसर टीचर यूनिवर्सिटियां के वाइस चांसलर वो चारे ने तो कोई समझ ही नहीं गई, जो समझ आ केजरीवाल साहब ने होगी, ये दुर्भाग्य है, ये पंजाब और पंजाबीयत का अपमान हो रहा। भाई बिजली एक बड़ा वड्डा मुद्दा बनया पाया पंजाब च, लंबे लंबे कट लग रहे हैं, गांह झोने वास्ती बिजाई होनी है, हालांकि मुख्यमंत्री साहब ने बिजली मंत्री का मुलाकात की, वो कहते हैं कि असं अगले 3 महीने लिए बिजली 1500 मेगावाट वध मंगी है, तो कोले की भी मांग मंगी। अज 42 दिन हो गए सरकार बनिया, 42 दिन के अंदर एक मिनट भी कढ़िया नहीं भगवंत मान साहब ने कि पंजाब के थर्मल प्लांटा की स्थिति की है, पंजाब की भाखड़ा डैम, सिर्फ झूठ बोलन तो अलावा गुमराह करन तो अलावा, मैं केजरीवाल साहब नूं और भगवंत मान साहब नूं दोनों नूं बेनती करांगा, तुसीं वादा कीता सी इस मैनीफेस्टो च बिजली फ्री करन दा, वादा कीता सी बिजली फ्री करन दा, पर तुसीं पंजाब बिजली तो फ्री कर रहे हो, एडे लंबे कट, शहरां च कट, पिंडां च कट, खेती दी लाइन ते कट, और यह इंपोर्टेंट टाइम है, अगले टाइम झोना बीजना पानी चाहिए, टोटल फेलियर गवर्नमेंट है, और जड़े वादे अर्च किते दी पूरा दिक नहीं होया, उल्टा जो किसानों को हैगा सी, जो शहरियों को साडे पंजाब दे लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे, वो सारा सरप्लस पंजाब असी करके गए सी बीजेपी की जदों गठजोड़ की सरकार सी, और अज पंजाब दे अंदर कट ज्यादा है तो बिजली कट है।
मगर उनको सभी पदों से निष्कासित कर दिया, आप कैसे देखते हैं? एक कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मसला। वैसे तो अजकल कांग्रेस दफ्तर च लाइन लगी हुई है जान वाले की, आने वाला कोई नहीं। एक पासे तो नौटंकीबाज पीके नू लियान से वधाइयां ते तेल चोए जा रहे थे कांग्रेस दफ्तर च। पीके तो आया नहीं, जीके चला गया। बिना नेता नेतृत्व नीति पॉलिटिकली सरवाइव कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। दुर्भाग्य आज कांग्रेस के अंदर चमचियां दी और चापलूसां दी बढ़त हो चुकी। पंजाब जगर अनुशासनहीनता दी कांग्रेस के अंदर दी गल करिए ते कांग्रेस के अंदर जिन्होंने अनुशासनहीनता की उन्होंने लंबी लिस्ट है, क्योंकि वो चापलूस ने गांधी परिवार की परिक्रमा करते हैं। इस पिछे परिक्रमा अज कांग्रेस है भी हो चुकी है, फिर भी जिन्हों चाहन क्डन जिन्हों चाहन रखन एक कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मसला। एक अलका बहरा या फिर कुमार विश्वास की गल की जाए तो कितना देखते दे उस चीज़ में कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, अलका लांबा ने रोपड़ पेश होना देख। ऐसा है कि पंजाब की बहादुर पुलिस जिन्हें आतंकवाद न कठोरता ना मुकाबला किया, विजय प्राप्त की थी, पंजाब के लोगों को सुरक्षा दी थी, उस बहादुर पुलिस को पोलिटिकल टूल बना के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अपने पोलिटिकल प्रतिद्वंदियों उत्ते कार्रवाई करने इस्तेमाल किया जा रहा। ये बहादुर पंजाब पुलिस का भी अपमान है कि तुसी वो अफसर जानबूझ के पंजाब दे पुलिस दे मुलाजमान नू दुरुपयोग कर रहे और भगवंत मान साहब नू खुश कर रहे ने, और भगवंत मान साहब बार बार पुलिस भेज के चाहे वह नवीन जी ते होए चाहे बग्गे ते होए चाहे कुमार विश्वास ते होए चाहे किसी होर ते भी होए, एक क्रम ये जड़िया सी रिवायता बारे ये लोकतंत्र नू कमजोर कर दिए। जे लोकतंत्र च अपनी गल कहन दा अधिकार नहीं तो ये तो वह पार्टी है जिहड़ी टोलरेंस उत्ते बड़ा गाना गाया करती सी, केजरीवाल साहब टोलरेंस टोलरेंस खेलते हुंदे सी, ते हुण अपनी वारी आई ते जीरो टोलरेंस, कोई बोल नहीं सकदा इन्हां दे खिलाफ, कोई बयान नहीं दे सकदा, कोई ट्वीट नहीं कर सकदा। आप तो खुद जाके माफिया मंग आए सन झूठ बोलन ते, अदालत जाके माफिया मंग के आए कि मैं गलती की, तो लोगों ते झूठे पुलिस केस बनाए जा रहे। एक गैर संविधानिक है, गैर कानूनी है और अलोकतांत्रिक। ਭਾਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ 2 ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਓਤਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ सतर्क होना पेगा, सजग होना पेगा, और पंजाब दी पुलिस नू फ्री हैंड देना पेगा, ना कि उस पंजाब दी पुलिस दे हाथ बन के अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदियां नू और अपनी राजनीतिक इच्छावां नू पूर्ण करने से उन्हें टूल बनाया। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे यूट्यूब चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।